साथ ना होता ना, इस बुड्ढे को हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर। अब उन्हें यहीं से इनविटेशन गई है ना, तो वो आए हैं। अगर बच्चों ने गलती से इनविटेशन भेज दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मुंह उठा के घर चले आए। आहा जी, आप बैठिए, आइए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। इंसा, इतनी भौंकलाई हुई क्यों? वो आहा जी अंदर गए हैं अभी चांद से बात करने के लिए। तो मैं कॉल करूं? किसे? एम्बुलेंस को। खुदा का खौफ करें, इतने भी कोई बुरे हाल नहीं है। कैसी हो? सॉरी मैं तुमसे अंदर से इतना पूछ नहीं पाया। वो जलाल पप्पा जो है मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे कोई विलन देख रहा हो। तुम तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हो ना। हीरो तो खैर मैं हूँ बाय बर्थ। तो हीरो साहब, लंदन में कोई नमाज वमाज का सीन है या वहां पर भी अंग्रेज औरतों के पीछे भागते रहते हो? नहीं पापा, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ नमाज। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो जाओ जाकर वजू करो और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। इंसान रमजानुल मुबारक का ही ख्याल कर लेता है। जी पापा, अब मैं आता हूँ। जाओ। तुम क्या टुक टुक करके उधर देखता है? जाओ। मुमताज, मैं जानता हूँ बहुत खफा हो तुम मुझसे, लेकिन बेहतर होता है इंसान माजी की तल्ख बातों को भुला दे। तो मैं कौन सा मस्जिदों से ऐलान करवा रही हूँ? बात मस्जिद की नहीं है, बात दिल आजारी की है, जो शायद अनजाने में दोबारा हो गई मुझसे। देखो मियाँ, जो बात ढकी हुई है उसे ढका ही रहने दो। अच्छा, इसे तो खोल कर देखो। क्या है? कंगन है। तो मैं क्या करूं इनका? मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। क्यों? किस खुशी में? खुशी का मौका है, बच्चों की शादी हो रही। तो जाके बच्चों को दो। मैंने क्या करने ये कंगन शंगन इस बुढ़ापे में पहन कर? अच्छा, मर्जी है तुम्हारी, दिल चाहे तो पहन लेना, वरना किसी गरीब को दे देना, दुआएं देगा। वैसे बहुत दिल से खरीदे हैं तुम्हारे लिए। मैं जाऊं?